सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे सर? दर्शन करने। दर्शन करने। दर्शन करिए माता के पांव छुइए। जय हो माता रानी, जय हो। ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए। छाता ले आओ, कोई छाता। आज के सीन के बारे में, बहुत सारे सीन शूट कर रहे हैं आज हम, तो किस सीन के बारे में बताऊं स्पेसिफिकली? जो मैं आज गाड़ी में, गाड़ी में। हाय, आ जाइए, जॉइन अस, जॉइन अस, गरम आ जाओ। हाय हाय, चलिए आज के सीन के बारे में बात कर रहे हैं हम। अच्छा, जहाँ पे ये बहुत रैश ड्राइविंग करके मेरे सर पे चोट लगा, किसी को नहीं करनी चाहिए, जो किसी को नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट पहने रहना चाहिए। हालांकि मैंने भी सीट बेल्ट पहना था, पर चोट लग गई है, हो जाता है। रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, जो कि ध्रुव कर रहा है, और ऑब्वियसली उसे इस बात का गिल्ट होता है बाद में, क्योंकि धानी को चोट लग गई है और वो खुद उस चोट की मरहम पट्टी भी करता है। बिल्कुल। तो कौन से मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में क्या होने वाला है? सुना गोद में उठा के लेके जाने वाले हैं। हाँ, कुलदेवी मंदिर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर धानी को दर्शन करना है। ध्रुव को दर्शन डेफिनेटली नहीं करना चाहता वो, और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इसके पाँव में चोट लगती है और ये सीढ़ियाँ जो है वो क्लाइम नहीं कर पाती, चढ़ नहीं पाती है। तो अब रास्ता कुछ बचा नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है कि अब इसको उठा के लेके जाए कोई। और हमारे शो का मेन मोटो हमेशा यही रहा है कि सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है। हम कितना भी कोई चीज़ अवॉइड करना चाहे या ना करना चाहे, होता वही है जो लिखा गया है। तो आई थिंक ध्रुव दर्शन कर पाएगा। हाँ, ध्रुव चाहता तो नहीं है दर्शन करना धानी के साथ, लेकिन होगा वही जो राम रची राखा। हाँ एग्जैक्टली। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और पहला सीरियल है जो यूट्यूब पे एपिसोड भी टेलीकास्ट हो रहा है। yes. तो इसके लिए क्या कहेंगे, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दिन भर गर्मी में आप लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे? क्या होता है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे रात की शिफ्ट कर रहे हैं या सुबह 7 बजे की शिफ्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती। जब आपको पता चलता है कि आपके शो को प्यार दिया जा रहा है, आपका शो अच्छा कर रहा है, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं हमें कि हम सेट पे आ रहे हैं, 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में करें, ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती फिर उसके बाद। और हमें ये तो पता था कि इंडिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन जब से यूट्यूब पर हमने एपिसोड्स डालना स्टार्ट किया, हमारे सारे इंटरनेशनल फैंस भी देख पा रहे हैं शो। सो आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज़ है ये कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच पा रहे हैं, और सबको अपना शो अच्छा भी लग रहा है। सो आई थिंक वेरी एक्साइटेड। हमें ये मेहनत पता नहीं चलती जब हमें इस बात का एहसास होता है कि लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। दंगल टीवी को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अभी डायमंड बटन भी मिला है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस के लिए, 12 अमेजिंग। आप लोग का शो उसमें बहुत चार चांद लगा रहा है, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड से, कमेंट्स बहुत कमाल आ रहे हैं कि जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ओह वाओ, आई डिडंट नो दिस, अमेजिंग। कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग, तो इतने सारे कमेंट्स, मतलब हजारों में कमेंट्स हैं पर पोस्ट पे, तो कैसा लग रहा है? वेल, ये चीज़ हमें अब पता चल रही है, क्योंकि हमने देखे नहीं है, मौका नहीं मिलता है। वो होता है कि हम सुबह निकलते 7 बजे घर से, रात को पहुंचते हैं तकरीबन 10-10:30-11 बज जाता है घर पहुंचते, और हमारा लोकेशन काफ़ी दूर है जहां हम रहते हैं वहां से, तो मौका मिलता नहीं है हमें देखने का कि आप देख पाएँ कि क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं क्या। बट जैसे आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुनकर कि डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमें संतुष्टि मिलती है। आपको बोलते हैं कि आपकी रूह खुश हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है हमें। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि दंगल एज अ चैनल इज आल्सो ग्रोइंग। आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक वी वर होपिंग फॉर। हमारी यही उम्मीद थी कि जैसे जिस परफेक्शन के साथ दंगल काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह, आई थिंक ये होना ही था। लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट, और बड़े अग्रेसिवली दंगल इज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस अचीवमेंट ऑन यूट्यूब। या ये इतनी अच्छी खबर, मतलब 3-4 जो बड़े चैनल्स हैं उससे आगे चल रहा है इस वीक का जो रेटिंग आया है। आप हमें बताएंगे, आप हमें right after the interview, आप मुझे दिखाएंगे। दिखाऊंगा, बताऊंगा। Okay.
और उससे बड़ी बात मतलब इतनी अच्छी चीजें सुनने के बाद अभी ऐसा हो गया कि जो हमारी एनर्जी लाइक 0.1% कम हुई थी इतनी नींबू पानी ग्लूकोन डी अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो मतलब आप देखो भागने लगे हम ट्रिपल एनर्जी मतलब अब तो देखो अच्छा लगता है। आई मीन जब सब चीजें अच्छी चल रही हो, फीडबैक अच्छा आ रहा हो, स्टोरी अच्छी चल रही हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आई थिंक इंडस्ट्री में हर कहीं ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं स्टोरीज को लेकर कि यार आई थिंक सो इसमें ये चेंजेस होने चाहिए थे, वो चेंजेस होने चाहिए थे। हमारे शो में ऐसा होता है कि हम डिस्कस करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं, साथ हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे का काम करते हैं, और जब हमें ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो हमें ऐसे अच्छा लगता है कि यार हाँ मेहनत रंग ला रही है। आप भाभी को गोद में उठाएं और हमें विजुअल दिखाएं मंदिर में जाने वाला, तो अभी एनर्जी बढ़ गई है, तो ऐसे बॉल कैसे उछाल देता है बहुत भारी है ये, बहुत भारी है ये, नहीं बिल्कुल भारी नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा विजुअल ले लो खाली एक फोटो। आज के सीन के बारे में बहुत सारे सीन शूट कर रहे हैं आज हम, तो किस सीन के बारे में बताऊं स्पेसिफिकली? जो मैं आज गाड़ी में, गाड़ी में हाय आ जाइए, जॉइन अस, जॉइन अस, गरम आ जाओ, हाय हाय। चलिए आज के सीन के बारे में बात कर रहे हैं हम। अच्छा, जहाँ पे ये बहुत रैश ड्राइविंग करके मेरे सर पे चोट लगा, जो किसी को नहीं करनी चाहिए, जो किसी को नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट पहने रहना चाहिए, हालांकि मैंने भी सीट बेल्ट पहना था पर चोट लग गई है, कभी कभी हो जाता है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जो कि ध्रुव कर रहा है, और ऑब्वियसली उसे इस बात का गिल्ट होता है बाद में क्योंकि धानी को चोट लग गई है, और वो खुद उस चोट की मरहम पट्टी भी करता है। बिल्कुल। तो कौन से मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में क्या होने वाला है, सुना गोद में उठा के लेके जाने वाले हैं? हाँ कुलदेवी मंदिर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर धानी को दर्शन करना है, ध्रुव को दर्शन डेफिनेटली नहीं करना चाहता वो, और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इसके पाँव में चोट लगती है और ये सीढ़ियाँ जो है वो क्लाइम नहीं कर पाती, चढ़ नहीं पाती है, तो अब रास्ता कुछ बचा नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है कि अब इसको उठा के लेके जाए कोई। और हमारे शो का मेन मोटो हमेशा यही रहा है कि सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है, हम कितना भी कोई चीज़ अवॉइड करना चाहे या ना करना चाहे, होता वही है जो लिखा गया है, तो आई थिंक ध्रुव दर्शन कर पाएगा। हाँ ध्रुव चाहता तो नहीं है दर्शन करना धानी के साथ, लेकिन होगा वही जो राम रची राखा। आज के सीन के बारे में बहुत सारे सीन शूट कर रहे हैं आज हम, तो किस सीन के बारे में बताऊं स्पेसिफिकली? जो मैं आज गाड़ी में, गाड़ी में हाय आ जाइए, जॉइन अस, जॉइन अस, गरम आ जाओ, हाय हाय। चलिए आज के सीन के बारे में बात कर रहे हैं हम। अच्छा, जहाँ पे ये बहुत रैश ड्राइविंग करके मेरे सर पे चोट लगा, जो किसी को नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट पहने रहना चाहिए, हालांकि मैंने भी सीट बेल्ट पहना था पर चोट लग गई है, कभी कभी हो जाता है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जो कि ध्रुव कर रहा है, और ऑब्वियसली उसे इस बात का गिल्ट होता है बाद में क्योंकि धानी को चोट लग गई है, और वो खुद उस चोट की मरहम पट्टी भी करता है। बिल्कुल। तो कौन से मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में क्या होने वाला है, सुना गोद में उठा के लेके जाने वाले हैं? कुलदेवी मंदिर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर धानी को दर्शन करना है, ध्रुव को दर्शन डेफिनेटली नहीं करना चाहता वो, और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इसके पाँव में चोट लगती है और ये सीढ़ियाँ जो है वो क्लाइम नहीं कर पाती, चढ़ नहीं पाती है, तो अब रास्ता कुछ बचा नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है कि अब इसको उठा के लेके जाए कोई। और हमारे शो का मेन मोटो हमेशा यही रहा है कि सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है, हम कितना भी कोई चीज़ अवॉइड करना चाहे या ना करना चाहे, होता वही है जो लिखा गया है, तो आई थिंक ध्रुव दर्शन कर पाएगा। हाँ ध्रुव चाहता तो नहीं है दर्शन करना धानी के साथ, लेकिन होगा वही जो राम रची राखा। एग्जैक्टली। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और पहला सीरियल है जो यूट्यूब पे एपिसोड्स भी टेलीकास्ट हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दिन भर गर्मी में आप लोग शूट करें यहाँ पे? क्या होता है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे रात की शिफ्ट कर रहे हैं या सुबह 7 बजे की शिफ्ट कर रहे हैं,
ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती जब आपको पता चलता है कि आपके शो को प्यार दिया जा रहा है, आपका शो अच्छा कर रहा है, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं हमें कि हम सेट पे आ रहे हैं, 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, कड़ी धूप में करें, ये सब चीज़ें बॉदर नहीं करती फिर उसके बाद। और हमें ये तो पता था कि इंडिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन जब से यूट्यूब पर हमने एपिसोड्स डालना स्टार्ट किया, हमारे सारे इंटरनेशनल फैंस भी देख पा रहे हैं शो। सो आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज़ है ये कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पा रहे हैं और सबको अपना शो अच्छा भी लग रहा है। सो आई थिंक वेरी एक्साइटेड। हमें ये वही ये मेहनत पता नहीं चलती जब हमें इस बात का एहसास होता है कि लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। दंगल टीवी को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी डायमंड बटन भी मिला है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस के लिए 12 अमेजिंग। आप लोग का शो उसमें बहुत चार चांद लगा रहा है, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड से, कमेंट्स बहुत कमाल आ रहे हैं कि जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ओह वाओ, आई डिडंट नो दिस, अमेजिंग। कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग, तो इतने सारे कमेंट्स, मतलब हजारों में कमेंट्स हैं पर पोस्ट पे, तो कैसा लग रहा है? वेल, ये चीज़ हमें अब पता चल रही है क्योंकि हमने देखे नहीं है, मौका नहीं मिलता है। वो होता है कि हम सुबह निकलते 7 बजे घर से, रात को पहुंचते हैं तकरीबन 10-10:30-11 बज जाते हैं घर पहुंचते, और हमारा लोकेशन काफ़ी दूर है जहां हम रहते हैं वहां से, तो मौका मिलता नहीं है हमें देखने का कि आप देख पाएँ कि क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं क्या। बट जैसे आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुनकर कि डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमें संतुष्टि मिलती है। आपको बोलते हैं कि आपकी रूह खुश हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है हमें। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि दंगल एज अ चैनल इज आल्सो ग्रोइंग। आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक वी वर होपिंग फॉर। हमारी यही उम्मीद थी कि जैसे जिस परफेक्शन के साथ दंगल काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह, आई थिंक ये होना ही था। लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट और बड़े अग्रेसिवली दंगल इज क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस अचीवमेंट ऑन यूट्यूब। या ये इतनी अच्छी खबर, मतलब 3-4 जो बड़े चैनल्स हैं उससे आगे चल रहा है। इस वीक का जो रेटिंग आया है, चैनल का नाम नहीं ले सकता लेकिन, बट आई कैन गारंटी यू, आई कैन शो यू। ये सब हमें क्यों नहीं पता? आप हमें बताएंगे राइट आफ्टर द इंटरव्यू, आप मुझे दिखाएंगे। दिखाऊंगा, बताऊं। ओके। और उससे बड़ी बात, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें सुनने के बाद अभी ऐसा हो गया कि जो हमारी एनर्जी लाइक 0.1% कम हुई थी, इतनी नींबू पानी ग्लूकोन डी अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो मतलब आप देखो, भागने लगे हम, ट्रिपल एनर्जी, मतलब अब तो देखो अच्छा लगता है। आई मीन जब सब चीज़ें अच्छी चल रही हो, फीडबैक अच्छा आ रहा हो, स्टोरी अच्छी चल रही हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आई थिंक सो इंडस्ट्री में हर कहीं ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं स्टोरीज को लेकर कि यार आई थिंक सो इसमें ये चेंजेस होने चाहिए थे, वो चेंजेस होने चाहिए थे। कहीं हमारे शो में ऐसा होता है कि हम डिस्कस करते हैं, मैटर को सॉल्व करते हैं, साथ हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे का काम करते हैं, और जब हमें ऐसे फीडबैक मिलते हैं तो हमें ऐसे अच्छा लगता है कि यार हाँ मेहनत रंग ला रही है। बहुत भारी है। नहीं, बिल्कुल भारी नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो ले लो खाली, फोटो।